औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बच्चों, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे और दुआ आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की दुआ आगाज़ में हम तावुस तस्मिया के साथ सूरतुल फातिहा मुकम्मल पढ़ेंगे और इसके अलावा दुआओं की दोहराई करेंगे और कौमी तराना भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम माहे रबीउल अव्वल के हवाले से कुछ बातें करेंगे, ठीक है बच्चों? बच्चों, आपको पता है ये कौन सा महीना है? ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस्लामी साल में 12 महीने होते हैं ना, और रबीउल अव्वल तीसरे नंबर पर आता है। इस महीने की ख़ास बात ये है कि इस महीने में अल्लाह ताला की महबूब तरीन हस्ती यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 हिजरी में पैदा हुए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना था और वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। प्यारे नबी के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था और चचा का नाम अबू तालिब था। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हर तरफ बहार आ गई थी। जो दरख्त सूख चुके थे उन पर नए पत्ते आ गए और वो हरे भरे हो गए। हर तरफ हरियाली थी, नए फूल खिल गए थे। बहार का समा था। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए। बच्चों, रबीउल अव्वल के महीने की मुनासबत से आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। तो आप सब बच्चे दुआए आगाज़ रोज़ सुना करेंगे ताकि इसमें बताए जाने वाली तमाम बातें आपको याद हो जाएं। और जब टीचर आपसे सवाल करें तो आप फौरन जवाब दें, ठीक है बच्चों? बच्चों, अब हम सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है? सब बच्चे टीचर के साथ बहुत अच्छी आवाज़ से पढ़ेंगे। तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। बच्चों, अब हम दोनों दुआओं की दोहराई करेंगे। पहले सुबह शाम की दुआ। بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم। والدين के लिए दुआ। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। ठीक है बच्चों, सूरह الفاتحة और दोनों दुआओं की दोहराई हमने कर ली है और अब हम पढ़ेंगे कौमी तराना। तो आप सब बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए और टीचर के साथ मिलकर बहुत अच्छी आवाज़ से पढ़ेंगे कौमी तराना।
पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आली शान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद, पाक सरजमीन का निज़ाम, कुव्वते अवाम, क़ौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिले मुराद, परचमे सितारों हिलाल, रहबरे तरक्की कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साये खुदाए जुलजलाल। ठीक है बच्चों, आज की दुआ आगाज़ यहीं तक, अगली दुआ आगाज़ तक के लिए फ़ी अमानिल्लाही, अस्सलामु अलैकुम।